हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू लेर्थ एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जिस चैप्टर का नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस। और ये जो चैप्टर है, यहाँ पे इस चैप्टर से लास्ट टाइम जो MPSI का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कम से कम चार से, मतलब तीन से चार नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे गए थे कंडीशनल से। टोटल यहाँ पर तीन से चार कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। और बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि सर हमको ये समझ में नहीं आता है कि अंग्रेजी कैसे पढ़ें। तो इस चैप्टर के माध्यम से मैं आपको ये भी बता दूंगा कि पूरी इंग्लिश आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, और चैप्टर को कंप्लीट करवाने के बाद में फिर मैं आपको एक पूरी प्रैक्टिस शीट सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें कम से कम हमारे पास 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें सभी टाइप के क्वेश्चन जो जो भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो सारे क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर के दो से तीन वीडियो के आसपास बनेंगे, तो आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। इसके बाद आपको पता चलेगा कि हर चैप्टर को हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। जो भी आपका चैप्टर आएगा, जैसे कि टेंस आएगा, वॉइस, नरेशन, है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, तो सभी को पढ़ने का जो पैटर्न होगा हमारा यही होगा जैसा इस चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, कंडीशनल होता क्या है, देखिए एक सेकेंड। यहाँ पर हम अगर टोटल कंडीशनल की बात करें तो जो आपके कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो होते हैं आपके फोर टाइप्स के। सबसे पहला कंडीशन जिसको बोलते हैं हम ज़ीरो, ठीक है। यहाँ से कोई सी भी एग्ज़ाम दो आप, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। दूसरा जो कंडीशनल आपका होता है वो कहलाता है रियल कंडीशन। तीसरा जो कंडीशनल आपका कहलाता है वो कहलाता है इमेजिनरी कंडीशन। और जो चौथा कंडीशनल आपका कहलाता है वो कहलाता है इम्पॉसिबल कंडीशन। अगर ये चारों कंडीशन आपने पढ़ लिए अच्छे से तो आपके तीन से चार नंबर फिक्स आ ही जाएंगे। उसका रीज़न है अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है, आप पुराने वाले पेपर एक बार उठा के चेक कर सकते हैं। अब देखिए चारों कंडीशन में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो कंडीशनल का मतलब समझें आप। कंडीशनल का मतलब होता है कि यदि तुम मुझे शादी में बुलाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगा, यदि तुम थोड़ा ढंग से पढ़ लेते तो तुम्हारी जॉब लग जाती, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाता, अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो वो उड़ जाता है, अगर हम पानी को ठंडा करते हैं तो वो जम जाता है। तो अगर आप ध्यान दें तो कंडीशनल के जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे उनकी शुरुआत होगी आपकी इफ से। कैसे शुरुआत होगी? इफ से। कंडीशनल के जितने भी सेंटेंस बनेंगे सभी की शुरुआत किससे होगी? इफ से होगी, ये फिक्स है, ठीक है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर मिल गई कि आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि इफ़ वाले सेंटेंस, ठीक है। तो इफ़ वाले सेंटेंस भी आप इसको बोल सकते हैं। अब देखिए जो जीरो कंडीशन होता है, इस जीरो कंडीशन में क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो एक तरह से जनरल फैक्ट होती है, जैसे अगर हम पानी को उबालेंगे, अब हिंदी में तो क्या होता है, जैसे हमारी हिंदी अच्छी नहीं है तो कोई बोलता है अगर हम पानी को उबालेंगे, जबकि ये गलत होता है। अगर हम पानी को उबालते हैं तो वो उड़ जाता है, पानी को ठंडा करते हैं तो वो जम जाता है, ठीक है। तो ज़ीरो कंडीशन मतलब होता है एक तरह से जनरल फैक्ट्स, जितने भी जनरल फैक्ट्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। आप पहले चीज़ को अच्छे से समझें ताकि आपकी ये दुविधा भी दूर हो जाएगी कि सर अंग्रेजी पढ़े कैसे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने में दो चीज़ें होती है, एक तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है क्योंकि हमसे क्वेश्चन बनते नहीं है, और फिर हमको ऐसा लगता है कि मेरे को अंग्रेजी आ नहीं रही है। इसलिए इंग्लिश पढ़ने का सबसे सही तरीका ये होता है कि आप पहले उस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, समझें, उसके बाद में फिर इसके क्वेश्चन लगाएं। जैसे कि मैं आपसे लगवाऊंगा तो आपको सब पता चल जाएगा कि वास्तविकता में अगर हम पहले चैप्टर को पढ़ते हैं और उसके बाद में अगर हम क्वेश्चन लगाते हैं तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। लेकिन जब हम पहले से ही क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं, जैसे हम किताब लेके आ गए, प्रैक्टिस सेट लगाने बैठ गए, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को समझोगे नहीं, प्रैक्टिस सेट लगाने का कोई मतलब नहीं है। जनरल फैक्ट्स, जनरल फैक्ट्स का मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के सेंटेंस इसमें बनते हैं कि इफ वाटर बॉइल्स इट इवेपोरेट्स,
इट इवेपोरेट्स। अब यहाँ पे अगर जो पूरी पिक्चर है ना, वो पूरी पिक्चर इसकी है बस। यहाँ आपने कौन सी वर्ब लगाई और यहाँ आपने कौन सी वर्ब लगाई। इफ़ वाटर बॉइल्स इट इवेपोरेट्स, अगर पानी को बॉयल करते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाता है। अब एग्जामिनर क्या करता है कि यहाँ पे आपको ब्लैंक देगा, बताइए भैया यहाँ क्या आएगा, या फिर यहाँ पे आपको ब्लैंक देगा कि बताइए भैया यहाँ क्या आएगा, जैसे इवेपोरेट्स दे दिया, विल इवेपोरेट दे दिया, इवेपोरेटेड दे दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर इफ़ है और क्वेश्चन में वाटर आ रहा है, मतलब ये एक जीरो कंडीशन है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म, हालांकि इसके बारे में हम थोड़ी सी देर बाद चर्चा करेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है रियल कंडीशन। रियल कंडीशन एक तरह से फ्यूचर बेस्ड कंडीशन होती है, फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट। अब देखिए फ्यूचर इवेंट का मतलब क्या होता है। फ्यूचर इवेंट का मतलब होता है कि अगर तुम मुझे शादी में बुलाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगा, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो इसको हम बोलते हैं कौन सी कंडीशन, रियल कंडीशन। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखिए सभी कंडीशन इफ़ से ही शुरू होगी। इफ़ यू इन्वाइट मी, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इन्वाइट। इफ़ यू इन्वाइट मी आई विल अटेंड द पार्टी, आई विल अटेंड द पार्टी। इस चीज़ को आराम से समझो, अगर एक भी क्वेश्चन इसका गलत हो गया तो फिर पढ़ना ही, मैं वीडियो ही देखना बंद कर देना, बोले अगर इसका एक भी क्वेश्चन आपसे गलत हो गया तो, क्योंकि होगा ही नहीं ना। जब आप एक चीज़ों को पूरे अच्छे से समझ जाएंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन आएगा। अब देखिए इफ़ के जो क्वेश्चन आते हैं वो चार तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे पूछा है। अब देखिए यहाँ पर आगे बात करें तो यहाँ पर देखो वर्ब मैंने क्या लगाई, बॉइल्स, और यहाँ लगाया इवेपोरेट्स, यहाँ लगाया मैंने इन्वाइट, और यहाँ लगाया मैंने विल अटेंड, ठीक है। अभी देखते जाओ आगे, ये है कौन सी कंडीशन, अगर तुम मुझे शादी में बुलाओगे तो इसका मतलब यहाँ पर इफ़ के बाद में इफ़ यू इन्वाइट मी आई विल अटेंड द पार्टी। अब एक कन्फ्यूजन होता है आपको कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये वाली फॉर्म है या ये वाली, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, मतलब जीरो वाला है रियल। इजी वे में समझ में आ जाएगा, इसमें किसी इंसान का नाम रहेगा और इसमें कोई यूनिवर्सल चीज़ रहेगी, कोई जनरल फैक्ट, जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, है ना, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर रहेगी। इमेजिनरी कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन मतलब एक तरह से हम देखा जाए तो इसमें हम केवल किस चीज़ की बात करते हैं, इमेजिन करते हैं। इमेजिन कैसे कर सकते हैं भाई साहब, अगर मेरे पास कार होती तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता, है ना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं राजा होता तो मैं महलों में रहता, तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी कंडीशन। इसकी शुरुआत भी इफ़ से होती है और इसमें तीन कैटेगरी बनती है, 1, 2 and 3, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहली कैटेगरी बनती है मैं होता, दूसरी कैटेगरी बनती है मेरे पास होता, और तीसरी कैटेगरी बनती है इसमें जब कोई वर्ब आ जाए, एक्शन वर्ब, ठीक है। अगली कंडीशन जो है वो होती है इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल का मतलब होता है कि अगर तुम पढ़ लेते तो पास हो जाते, मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, अगर तुम 2 मिनट पहले आते तो तुमको गाड़ी मिल जाती, अब कुछ नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल कंडीशन। इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है कि इफ़ यू हैड इन्वाइटेड, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हैड इन्वाइटेड, ये सारा मैं आपको बताऊँगा एक एक करके, लेकिन पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ चारों का। तो आई वुड हैव कम, तो देखो अब यहाँ पर मैंने लगाया क्या, फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे लगाया फर्स्ट फॉर्म विल फर्स्ट फॉर्म, और इसमें मैं लगाता हूँ इफ़ यू इन्वाइटेड, ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी में मैंने इन्वाइटेड लगाया, तो आई वुड कम। ये एक तरह से मैं आपको एक ट्रेलर बता रहा हूँ, ठीक है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जीरो कंडीशन का स्ट्रक्चर अलग होगा, रियल कंडीशन का स्ट्रक्चर अलग होगा, इमेजिनरी कंडीशन का स्ट्रक्चर अलग होगा, पूरा डिस्कस करेंगे हम एक एक चीज़, और इम्पॉसिबल का स्ट्रक्चर अलग होगा। तो मेन कुल मिला के आपको बस ये स्ट्रक्चर याद रखने हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं जीरो कंडीशन के साथ में, तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। हो सकता है यहाँ आपको समझ में नहीं आया हो तो समझने की कोशिश भी मत करना, जब मैं एक एक चीज़ आपके सामने रखूँगा तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम बिल्कुल पहले जीरो कंडीशन के साथ में।
ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर चार कंडीशन होती है। इसके बाद में मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिस शीट दूंगा जिसमें 80 के आसपास क्वेश्चन होंगे और मैं पूरी सॉल्व करवाऊंगा उसको, तो आपको समझ में आएगा कि यार कितनी इजी इंग्लिश है। इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं है ना, हमने दिमाग में बना रखा है, वो बात अलग। चल आगे बढ़ाते हैं और पहली कंडीशन के साथ में स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब देखिए, सबसे पहली कंडीशन जिसकी हम बात करते हैं वो है आपका जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन, ठीक है। जीरो कंडीशन का मतलब होता है जनरल फैक्ट्स। जनरल फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें होती ही होती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इफ, और यहाँ पर भी इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है और यहाँ पर भी इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है। बात को समझना, पूरा गेम इसका है वर्ब का। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इफ वाटर बॉइल्स इट, और यहाँ लिख दिया जाता है ब्लैंक। ऑप्शन आते हैं आपके इवेपोरेट्स, और दूसरा ऑप्शन आता है इवेपोरेट, तीसरा ऑप्शन आता है इवेपोरेटेड, और चौथा ऑप्शन आता है विल इवेपोरेट। अब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक नंबर आपको दे सकता है, लेकिन अगर थोड़ी सी जानकारी के अभाव में अगर आप इसका एक नंबर आपका चला जाए, मतलब ऐसे एग्जाम में बहुत सारे एक नंबर होते हैं जो हमारे चले जाते हैं जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसका एक नंबर हम ऐसे ला सकते हैं कि सबसे पहले इफ है मतलब कि कंडीशनल है, इसके बाद में लिखा हुआ है वाटर मतलब एक जनरल चीज़ें लिखी हुई है, किसी इंसान का नाम नहीं है, मतलब कि जीरो है, और जीरो है तो स्ट्रक्चर है इफ के बाद में फर्स्ट फॉर्म जो कि उसने दे रखी है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर इसमें तो एस लगा हुआ है, तो उसको भी मैं अभी क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म, तो हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ से देखिए ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इसमें से सबसे पहले विल वाला हटा दिया, इवेपोरेटेड वाला हटा दिया। अब एक समस्या आ गई, एक में ई एस लग रहा है एक में नहीं लग रहा है, तो इसके लिए यहाँ देखना पड़ेगा इट जो कि सिंगुलर है, और आपको पता है यहाँ फर्स्ट फॉर्म से मतलब ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट फॉर्म लगा के आ जाओ। फर्स्ट फॉर्म से मतलब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो कि क्या है, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो फर्स्ट फॉर्म का अर्थ क्या होता है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं एक बार। यहां पर जो फर्स्ट फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है इसका अर्थ यह है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस लगाना कंपलसरी है, चाहे कोई बोले या ना बोले। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो फिर आपको यहाँ पर केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट जैसे सिंगुलर होता है तो सिंगुलर में आप बोलेंगे सर सिंगुलर मतलब क्या? तो देखिए सिंगुलर का मतलब होता है जब आपका सब्जेक्ट ही शी इट या फिर किसी का नाम होता है तो वो होता है सिंगुलर, और उसमें आपको वर्ब के साथ एस ए एस लगाना जरूरी है। जैसे अभी हमारे पास में आ गया था इट, तो इट के साथ हमने क्या लगा दिया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में क्या लगा दिया? एस और ई एस। मतलब उसका सही जवाब क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब अगर इट है तो ई वेपरेट्स इसका सही जवाब हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है? अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, अब आप बोलेंगे सर प्लूरल मतलब? प्लूरल मतलब आई यू वी और दे। तो आई यू वी और दे हुआ तो इसके साथ आपको केवल क्या लगाना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आपको एस आई एस नहीं ऐड करना है। बोलिए बात समझ में आ गई? तो सबसे पहली चीज़ जीरो कंडीशन की पहचान कैसे होगी? तो जीरो कंडीशन की पहचान होगी अगर कोई क्वेश्चन वाटर वाला आ जाए या कोई रेन वाला आ जाए, है ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो एक जनरल फैक्ट्स होता है, और उसमें अगर दो सेंटेंस आपको दिए हों फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों में आपको केवल फर्स्ट फॉर्म या फिर ऐसा बोले कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना होता है। और फर्स्ट फॉर्म का अर्थ होता है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में एस आई एस लगेगा, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। ये चीज़ मैंने आपको जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसमें मैंने आपको अच्छे से समझा रखी है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको कम से कम 200 क्वेश्चन सॉल्व भी करवा रखे हैं, उसमें आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। इंग्लिश सीखना कठिन नहीं है,
बस मन होना चाहिए सामने वाले का। अगर मन होगा तो वो सीख जाएगा, और अगर वो खुद उसकी इच्छा ही नहीं है कहीं से कहीं तक सीखने की, अगर उसके मन में ऐसा है कि अरे अंग्रेजी तो मुश्किल है, अंग्रेजी तो नहीं आएगी, तो फिर वो कभी नहीं सीख सकता। ठीक है, चलिए ये इसको हटा देते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इंग्लिश सीखने के लिए इच्छा, पूरी एंथुसियाज्म चाहिए। एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्सुकता चाहिए अंदर कि हाँ मुझे करना है। और MPSI में आप 30 में से 30 नंबर भी ला सकते हो। लास्ट टाइम मैंने 29 नंबर तक दिलवा रखे हैं, तो 30 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं, इस बार दिलवाएंगे, पूरा टारगेट है हमारा, पूरी मेहनत कर रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। बस आपकी इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की। जीरो कंडीशन, जीरो कंडीशन में क्वेश्चन अगर आपके पास में आया कि इफ़ वाटर गेट्स कोल्ड, इफ वाटर गेट्स कोल्ड, और यहां पे आ गया इट ब्लैंक, ऑप्शन आ गए आपके पास में, देखिए गेट्स ये ध्यान रखने का है ना, इट फ्रीज, दूसरा ऑप्शन आ गया इट फ्रोज, तीसरा ऑप्शन आ गया इट फ्रीजेज, चौथा ऑप्शन आ गया इट विल फ्रीज। अब बात को समझिएगा, If water, यहीं से क्लियर हो गया कि भैया जीरो में जाएगा ये। If के बाद water लिखा हुआ है, मतलब ये किस में जाएगा, ये आपका जीरो में जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है If water gets, ठीक है लिखना ही पड़ेगा, उसके पिताजी को भी लिखना पड़ेगा। और gets क्यों लिखा, क्योंकि water singular है, तो इधर क्या आएगा, इधर it singular है तो आपका आ जाएगा freezes। बोलो बात समझ में आ गई, सो सिंपल। सो इफ वाटर गेट्स कोल्ड इट फ्रीजेस, बट इफ वाटर गेट्स हॉट इट इवेपोरेट्स। तो ये होता है जीरो कंडीशन, इसको बोलते हैं हम लोग जनरल फैक्ट्स। तो ये आपका एक नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो आप इजी वे में इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, गाड़ी हटा दो उसको। अब बात करते हैं हम अगली कंडीशनल। जैसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं आपसे, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि इफ इट रेन्स द ग्रास ब्लैंक वेट, ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर गेट्स गॉट, और एक ऑप्शन आ जाता है विल गेट। इफ इट रेन्स, देखो अब यहीं से समझ में आ रहा है, रेन की बात हो रही है, जनरल फैक्ट है, किसी इंसान का नाम नहीं है। तो अगर बारिश होती है तो क्या होता है, आप बताओ, क्या घास सूख जाती है, कि जल जाती है, कि डांस करने लगती है, कि भैया घास गीली हो जाती है। तो ये एक जनरल फैक्ट्स है, तो जनरल फैक्ट है इफ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट। बोलो बात समझ में आई, तो इसको बोलते हैं जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन में इफ के बाद वाला सेंटेंस भी फर्स्ट फॉर्म में आता है और उसके बाद वाला सेंटेंस भी फर्स्ट फॉर्म में ही आता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगली कंडीशन पे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रियल कंडीशन की। ठीक है, अब देखिए रियल कंडीशन में क्या होता है, रियल कंडीशन। अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें भी वापस से इफ आएगा ही सही। ठीक है, इफ तो आना ही आना है। अब इसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म इसमें भी आ रही है। अगर हम जीरो से कंपेयर करें तो जीरो में भी फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या आएगा, इसमें और इसमें डिफरेंस आएगा यहाँ पर, इसमें आ जाएगा इधर विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मतलब आप समझिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAES कंपलसरी लगेगा, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फिर वापस से आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका होता है रियल कंडीशन। इसमें सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये रियल है या जीरो है? देखिए जीरो में आपका आपके सब्जेक्ट कैसे बन रहे थे, वाटर, ऑयल, है ना, रेन्स, इस टाइप के। इसमें जनरली पीपल से रिलेटेड कैसे, जैसे क्वेश्चन पहला बना कि इफ यू इन्वाइट मी आई ब्लैंक द पार्टी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इफ यू इन्वाइट मी आई ब्लैंक द पार्टी, ऑप्शन है आई अटेंड और दूसरा ऑप्शन है आई विल अटेंड। ठीक है, और एक ऑप्शन है आई अटेंड्स। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा डिफरेंस समझना होगा कि यहाँ इफ आ रहा है, इफ हमने इससे पहले भी पढ़ा जीरो कंडीशन में, लेकिन उसमें हमने क्या पढ़ा था, इफ वाटर,
इसमें हम पढ़ रहे हैं इफ़ यू इन्वाइट मी, मतलब किसी इंसान से रिलेटेड बात हो रही है, मतलब एक जनरल फैक्ट है। अच्छा, उसमें क्या होता है, इफ़ वाटर बॉइल्स इट इवेपोरेट्स, अगर पानी को उबालते हैं तो वो डेफिनेटली उड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अगर तुम मुझे शादी में बुलाओगे, अब मान लो किसी ने मेरे को शादी में बुला लिया, तो कैसा जरूरी है कि मेरे को जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो कह देगा कि नहीं ये शादी नहीं हो सकती, सर नहीं आए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सर से क्या मतलब है तुमको, मतलब तो किससे है, मतलब तो भाई शादी हो जाए कैसे भी करके, कौन जिम ने आता है अपने को पता ही नहीं चलता है वहाँ पे। तो इसी टाइप से यहाँ पर बात क्या हो रही है, इफ़ यू इनवाइट मी, अगर तुम मुझे शादी में बुलाओगे तो मैं आऊँगा, लेकिन ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। और जब श्योरिटी नहीं होती है तो वो रियल कंडीशन होती है, लेकिन जब श्योरिटी होती है तो वो जीरो कंडीशन होती है। कैसे, अगर पानी को उबालते हैं तो क्या वो पानी मना कर देगा, मैं तो नहीं उबल रहा यार, आज गर्मी बहुत है यार, पहले दिमाग ख़राब मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए जब फिक्स होती है चीज़ें तो वो जीरो कंडीशन, लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। तो ऐसे केस में इधर तो फर्स्ट फॉर्म आ गया ऑलरेडी, दिया हुआ है उसने, उधर हम लगाएंगे विल अटेंड। बोलो बात समझ में आ गई। तो इफ़ यू इनवाइट मी आई विल अटेंड द पार्टी, इसको बोलते हैं जीरो कंडीशन। और इसमें इफ़ के बाद में फर्स्ट फॉर्म आता है। मैं अभी आपको जो क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, तो आपको चीज़ें सारी क्लियर होती जाएगी। तो इस साइड आपका आ जाता है विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, उससे अपना क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमारे सामने दो क्वेश्चन हैं। अब ये एग्ज़ाम में आते हैं तो एग्जामिनर कोई आपको ऐसा लिख के तो नहीं देगा कि भाई साहब मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस में से रियल वन के अंदर से क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, ये चीज़ तो हमको समझना पड़ेगी। तो देखो हमको कैसे समझना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़, तो इफ़ के हमको पता है चार कंडीशन होते हैं जिसमें से दूसरा हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इफ़ के बाद में यहाँ पे आया यू, मतलब ये जीरो कंडीशन तो नहीं है, है ना। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखने के बाद में यू, अब यहाँ क्या आएगा ये बात की बात है। पहले आप यहाँ जाइए, देखिए क्या लिखा हुआ है, विल नॉट हेल्प। और अभी हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि इफ़ के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है और पीछे आता है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ अगर विल नॉट हेल्प आ रहा है, मतलब विल फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। इसलिए और एक और चीज़ ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म का मतलब मैंने SCIES भी बताया था, लेकिन चूंकि यहाँ यू आ रहा है जो कि प्लूरल है तो डज नहीं आएगा, तो फिर आपका क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा इफ़ यू डू नॉट कम विथ मी आई विल नॉट हेल्प यू, अगर तू मेरे साथ नहीं आएगा तो फिर मैं तेरी मदद नहीं करूँगा कभी भी। क्यों, दूसरा क्वेश्चन। अब आपके एग्जाम में MPSI में ज़्यादातर क्वेश्चन एरर वाले पूछे गए थे, तो एरर में इसने लिखा इफ़ यू विल नॉट हेल्प, अंडरलाइन कर लीजिए, फिर लिखा आई विल नॉट हेल्प, अंडरलाइन कर लीजिए। तो इफ़ यू विल नॉट हेल्प, तो आपको पता है इफ़ के बाद तो यार फर्स्ट फॉर्म आता है, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, इस विल को हटा देंगे। तो ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक बन जाती है कि इफ़ के बाद में कभी भी विल का यूज़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई साहब, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आता है, विल तो दूसरी तरफ आता है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगा तो विल का यूज़ नहीं होगा। तो ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक बन जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग रियल कंडीशन। कौन सी कंडीशन, रियल कंडीशन, ठीक है। और देखते हैं इसकी क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ यू विल नॉट हरी यू विल नॉट गेट द बस, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम्हारी बस मिस हो जाएगी। अब देखिए इसने लिखा है इफ़ यू विल नॉट हरी, तो हमको पता है कि भैया इफ़ के बाद विल नहीं आता है, तो विल की जगह क्या आ जाएगा आपका, डू नॉट हरी, क्योंकि अब विल हटा देंगे तो इफ़ यू नॉट हरी हो जाएगा, जो कि सही नहीं होगा, क्योंकि नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब जरूरी होती है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ़ यू डू नॉट हरी यू विल नॉट गेट द बस। तो ये होता है आपका रियल नंबर वन। तो आपको दोनों चीज़ें आई थिंक समझ में आ गई होगी कि जीरो कंडीशन क्या होता है और रियल कंडीशन क्या होता है, ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स और करेंगे अभी, क्योंकि जितने ज़्यादा आप एग्जांपल करोगे उतनी अच्छी आपकी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। एग्जांपल्स हम क्लियर करेंगे, उसके बाद में हमारी दो कंडीशन और होगी, जो कि होगी इमेजिनरी और इम्पॉसिबल कंडीशन, तो हम उनको भी क्लियर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारी कंप्लीट कोर्स की क्लासेस भी चल रही है, ठीक है, आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसके लिए मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 651282, ठीक है। पूरा MPSI का आपका कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, और आप चाहें तो साथ में नोट्स भी आप चाहें तो मंगवा सकते हैं, ठीक है। आपके घर पे नोट्स आ जाएंगे, पूरे प्रॉपर बने हुए हैं, इसी तरीके से जैसा मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो इस चैप्टर से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको पूरा कोर्स करवाया जाता है और किस तरीके से आपको नोट्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसके और थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आया, यू कैन स्टे द डिनर इफ़, अब यहाँ पर देखिए इफ़ को गोला बना लीजिए पहले, तो
अब इफ़ को हमने गोला बना लिया, तो अब क्या होगा आगे? अब देखिए, हमारे पास अभी तक हमने इफ़ की दो कंडीशन पढ़ी है, तो एक ट्रिक हमारे पास है कि इफ़ यहाँ पर अगर है और दूसरा सेंटेंस जो कि उसने उधड़नी लिख के इधर लिख दिया, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सर कैन स्टे लिखा है। अब आप बोलेंगे सर अभी आपने विल पढ़ाया, विल आएगा यहाँ तो कैन आ रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि विल आ जाए या शैल आ जाए या कैन आ जाए या मे आ जाए, सारी बात एक ही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैन आ रहा है और स्टे आ रहा है, मतलब कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, इफ़ के बाद क्या आना चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म में लाइक भी है, लाइक्स भी है, तो हमने देखा यहाँ यू है तो यू के हिसाब से क्या आ जाएगा? लाइक आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आई? बहुत ईजी है। इस क्वेश्चन को हमने देखा इफ़ को गोला बनाया, यू आ रहा है मतलब ये रियल कंडीशन है, पीछे देखा हमने विल रिपेंट। तो सर पीछे क्यों देख रहे हो जाके? पीछे देखना पड़ता है क्योंकि आगे अभी दो कंडीशन और आ रही है, इमेजिनरी कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन, और उसमें यहाँ पर एक में आता है वुड और एक में आता है वुड हैव थर्ड फॉर्म, इसलिए देखना पड़ता है। तो अगर यहाँ पीछे विल फर्स्ट फॉर्म है तो 110% यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इफ़ यू एक्ट ऑन माई एडवाइस यू विल नॉट रिपेंट। इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम की लिंक, चैनल की लिंक है, उस लिंक पे आप क्लिक करिएगा, वहाँ से आप हमारे चैनल में जुड़ जाएंगे और उसकी आपको इस ये जो आज मैंने पढ़ाया जितना भी, इसका एक टेस्ट मिलेगा आपको 20 नंबर का, ठीक है, आज शाम को 8 बजे। तो वो 20 नंबर का टेस्ट आपको देना है, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया, ठीक है। अभी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैंने केवल दो कंडीशन आपको पढ़ाई है और अभी मैं आपको इसके और भी क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और थोड़ा सा और जो आगे का है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो अभी रुकिए आप। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लिखी है, जैसे कि आप रियल कंडीशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जीरो कंडीशन जो आपने पढ़ा ना, उस जीरो कंडीशन में केवल इफ़ ही होता है, लेकिन ये जो रियल कंडीशन है ना आपका, इसमें आपका इफ़ भी होता है, इफ़ के साथ अनलेस, अनटिल, वैन और एज सून एज, चूँकि ये भी साथ में आते हैं तो मैं आपको साथ में ही बता देता हूँ, ठीक है। इफ़, अनलेस, अनटिल, वैन और एज सून एज, अब इन सब के केस में सेम कॉन्सेप्ट लगता है जो आपने अभी पढ़ा, कि इनके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये एस आई एस और दोनों अलग अलग क्यों लिखे मैंने, क्योंकि ये सिंगुलर के केस में और ये प्लूरल के केस में। और यहाँ मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, विल के साथ में शैल भी आ जाएगा, कैन भी आ जाएगा और मे भी आ जाएगा, ये चारों आइटम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, ये चीज़ आप मॉडल वर्ब में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है, अब क्वेश्चन देखिए, अगर एरर वाला क्वेश्चन मेरे पास आता है तो एरर वाला क्वेश्चन केवल मैं एक सेकंड में सोल्व करता हूँ, जिससे आप सबसे ज़्यादा डरते हो। कैसे? कि एग्जामिनर क्या करेगा कि ये कंडीशनल वर्ड आपको लगा के देगा, जैसे इसमें से ले लिया भाई साहब अनलेस, अनलेस लगाने के बाद में वो क्या करेगा, यहाँ पे भी विल लिखेगा और यहाँ पे भी विल लिखेगा, तो मैं उसको बोलूँगा भैया अनलेस के बाद विल नहीं आता। तो इसी प्रकार से जितने भी कंडीशनल वर्ड हैं इन सब के बाद विल नहीं आता, के बाद विल या शैल नहीं आता है, तो ये आपको याद रखना है, के बाद विल या शैल नहीं आता है या कैन में भी नहीं आता है, क्योंकि ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप याद रखिएगा। अब हम थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हम दो क्वेश्चन और करते हैं। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे इसने क्या लिखा है आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसने लिखा है कि अनलेस यू विल वर्क हार्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है एज सून एज यू विल रीच, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम से ही उठाए हैं मैंने। तो अनलेस यू विल, तो हम बोलेंगे भैया अनलेस के बाद विल नहीं आता, क्योंकि अनलेस, इफ, वैन, एज सून एज, इनके जस्ट बाद या फिर इस सेंटेंस में विल नहीं आता, क्यों? क्योंकि इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यहाँ वर्क आ जाएगा, और एज सून एज जो होता है इसके बाद में भी विल नहीं आता, तो यहाँ से भी हम विल को हटा देंगे। बोलिए बात समझ में आ गई? तो अब इसके बाद में आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ को आपको पूरा सॉल्व करना है 20 नंबर का, उसके साथ में आपको उसके आंसर भी मिलेंगे। तो आपको ये देखना है कि आपको जो मैंने पढ़ाया इसमें से कितने नंबर का आपको समझ में आया और आपके कितने नंबर आ रहे हैं। इसके अलावा जब आप नोट्स वगैरह मंगवाते हैं तो ये इस प्रकार के नोट्स जो हैं और साथ में प्रैक्टिस सेट ये आपको घर पर मिल जाते हैं अगर आप मंगवाते हैं तो। इसमें हमने चैप्टर वाइज देखिए, जैसे कोई भी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, रूल्स बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और अच्छे तरीके से लिख रखे हैं, क्लास नोट्स है, जैसे कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर आपका कंप्लीट चल रहा है। इसके बाद ज़्यादातर मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ, क्योंकि सिलेक्शन इसी से होगा आपका। ये लेयर वन जिसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है, इसके बाद में फिर आपका लेयर टू, फिर आपका लेयर थ्री, फिर आपका लेयर फोर, मतलब एडवांस एरर,
इसके बाद में आपका एक टेस्ट, ये 25 नंबर का टेस्ट है, और इसके बाद में फिर आपको इन सब की आंसर शीट यहाँ पे मिल जाती है। तो ये इस टाइप से हर चैप्टर आपको मिलेगा, ताकि आपको कोई बुक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आप अगर पूरी क्लास परचेस कर लेते हैं, क्लास बाय कर लेते हैं, तो उस क्लास में आपको सिस्टमेटिक पूरा चैप्टर एक पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में हर चैप्टर के कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप इस चैप्टर का एक टेस्ट जो है वो आप देखे देखिए कि आपके कितने नंबर इसमें आ पा रहे हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे कल, जिसमें आपको अगली कंडीशन जो कि इमेजिनरी कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।